पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश हुआ है राज्य सरकार को कि राज्य स्तरीय मेधा सूची बनाई जाए और उसके आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए अभी अभी जो छात्रों से बातचीत हुई है जो सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए या फिर इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए दिल्ली में मौजूद थे उन लोगों ने न्यूज़ बाइस्कोप को बताया है इतला दी है कि उन लोगों के लिए बड़ी जीत की जीत का दिन है कि आज के, जो वो सपना देख रहे थे और लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे थे कि उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया को अविलंब पूरा किया जाए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आदेश के बाद अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होगा कि वो कहीं ना कहीं अब नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दे आपको बता दें कि दो के करीब में यह नोटिफिकेशन आया था जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 2019 में तमाम जो प्रक्रिया है इवन के जो डिग्री का वेरिफिकेशन होता है कागजात का वेरिफिकेशन होता है वो 19 यानी 2019 के मध्य तक पूरा हो चुका था लेकिन 19 से लेकर 22 हो गए यानी 2022 20 का साल चल रहा है बावजूद इसके अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई इसे लेकर छात्र लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं कई बार वो कैबिनेट मंत्रियों के दरवाजे तक पहुँचे हैं खुद मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुके हैं कई बार प्रोजेक्ट भवन का घेराव किया गया है विधानसभा का घेराव करने पहुँचे हैं बावजूद इसके नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया अल्टीमेटली तमाम छात्रों ने यह तय किया और आपस में फंडिंग करके तमाम लोग किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां यह बात हुई है कि अब कहीं ना कहीं जो स्टेट लेवल की मेधा सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा यहां तक पदों की संख्या का सवाल है इसमें करीबन तीन हजार पोस्ट हैं जिस पर नियुक्ति नियुक्ति होना है अब बड़ा और अहम सवाल यह है कि कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए बढ़ा करके इन तमाम छात्रों को अब उनके पोस्ट में भेजने का काम कर करें अब देखने वाली बात यह हो है कि राज्य सरकार इसको कितने कितने दिनों में इसे पूरा करती है क्योंकि अभी तक जो जजमेंट की कॉपीज बाहर नहीं आई है लेकिन जो छात्रों ने दिल्ली से सूचना दी है इतला दी है उसके मुताबिक कि जल्द जल्द से जल नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना है लेकिन कितने दिनों का डेडलाइन है कितने दिनों के समय सीमा निर्धारित की गई है इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन छात्र इस आदेश को अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं और जो तमाम छात्रों से बातचीत हुई है जो पंचायत सचिव के अप्लीकेंट हैं उन लोगों ने कहा कि जो लंबे संघर्ष के बाद आज का दिन उनको देखने को मिला है और ये उनके लिए आज का जो दिन है वो जीत का दिन है आपको याद होगा कि जब जेपीएससी का आंदोलन चल रहा था उस उसी के बाद में ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी लंबे समय से आंदोलन करने लगे और न सिर्फ राजभवन के पास बल्कि पूरे पूरे झारखंड में उनका आंदोलन चला इवन कि आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान वो लंबे समय तक आंदोलन करते रहे प्रोजेक्ट भवन पहुँचे कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और कई बार आश्वासन मिला कि उनका उनका जो प्रस्ताव है यानी नियुक्ति की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कैबिनेट के माध्यम से पास किया जाएगा और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा लेकिन ये कहीं ना कहीं केवल कोरा कागज की तरह ही रहा और छात्र कहीं कहीं निराश हुए अल्टीमेटली उनको बाध्य होकर के कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ा और वहाँ से उनको इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है अब देखने वाली बात यह होती है कि, कि कितने दिनों का डेडलाइन है कितने दिनों की समय सीमा तय की गई है और उस समय सीमा के अंदर क्या राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करा पाती है या नहीं लेकिन निश्चित तौर पर आज का दिन तमाम पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन है बहुत खुशी का दिन है और आज वो चैन की नींद इतमीन की नींद सो सकेंगे फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत नमस्कार